गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के 30 जनवरी को मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र का मतदान 30 जनवरी को होगा, जिसमें 30 मतदान केंद्र व 56 पोलिंग बूथ है। सभी बूथों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 3 सुपर जोन व 10 जोन 24 सेक्टर बनाया गया है। सभी सेक्टर पुलिस कर्मियों के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट व जोनल पुलिस कर्मी साथ साथ भ्रमणशील रहेंगे, जो कि एडिशनल एसपी व एडीएम सिटी रैंक के रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर एसएसबी जवानों व पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा हर मतदान केंद्र पर पीएससी जवानों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी तथा सभी जनपद के अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत करवा दिया गया है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस अवसर पर एडिशनल एसपी सीओ कैंपियरगंज श्याम देव बिंद, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, सीओ बांसगांव प्रिंशाली गंगवार, कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, ब्रीफिंग है 30 तारीख को है इलेक्शन, इनकी पार्टियां कहां जाएंगी? यूनिवर्सिटी से रवाना होंगे, यूनिवर्सिटी में जमा तो जरूर होंगे। ठीक है, इसमें सामान्य निर्देश में आप लोग सब निर्देश आते हैं, वही निर्देश है। एक बार उनका रिपीटेशन जरूरी है कि पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर पर्दी के अंदर कोई बूथ नहीं बनेगा, बूथ 200 मीटर बाहर बनेगा। बूथ पर केवल एक बैनर रह सकता है 3 फुट × 1.5 फुट साइज का। और जहां बूथ बनेगा वो भवन स्वामी की निकट अनुमति के बाहर बनेगा। ये 200 मीटर का है, 100 मीटर का हमेशा रहता है कि 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का प्रचार या मतयाचना नहीं की जाएगी। और नॉर्मल जो ड्यूटी रहती है कि कोई भी पुलिसकर्मी बूथ के अंदर नहीं जाएगा जब तक प्रिजाइडिंग अफसर ना बुलाए, ये मेन पॉइंट है। जो लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं बाहर से सुरक्षा कर्मी गाड़ी में बैठ के साथ में आएंगे और जमा करवाएंगे। ये सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है, इसका सब लोग विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल जो प्रभारी हैं उनके लिए बुलाया गया उस रैंक तक। तो नीचे से ये गाड़ी में ये सर उधर ही बता जाते हैं, मिनिमम आधा सेक्शन। आधा सेक्शन का मतलब होता है 4 लोग कम से कम सशस्त्र, 4 सशस्त्र लोग उसमें बैठेंगे। ये जो लोग पोलिंग स्टेशन पे लगे होंगे ये उनकी जिम्मेदारी है, आधे सेक्शन से कम नहीं हो, 4 से कम लोग नहीं बैठेंगे। तो ये मत कहिएगा कि मेरी गाड़ी साहब वहीं खड़ी है, वो अपनी व्यवस्था बना के जाइएगा। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जहाँ से पार्टी रवाना हो यहीं से साथ में बैठ के जाइए ताकि गाड़ी आपकी यहीं खड़ी रहे। अपना कोई ऐसा व्यवहार प्रदर्शित ना करें, कोई ऐसी चर्चा ना करें जिससे किसी पार्टी या कैंडिडेट के प्रति कोई रुझान प्रदर्शित हो, और ना ही किसी पार्टिकुलर पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में अपना कोई शब्द या भाव भंगिमा का कोई अपने विपक्ष में बोलना है। किसी भी वोटर के साथ कोई गलत साथ में नहीं जाएगा, कोई भी वर्दी वाला साथ में नहीं जाएगा। जो बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है जिसको एक्स्ट्रा गेट सुरक्षा दी जाती है, जिसमें उस चीज का ध्यान रखें जैसा पहले इलेक्शन में होता था, कोई पानी ऐसे इन ये सब लेके कोई बूथ के अंदर प्रवेश ना। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड निर्वाचन दिनांक 30 जनवरी 2023 के लिए प्रस्तावित है। इसमें हमारे जनपद में 30 मतदान केंद्र हैं और 56 पोलिंग बूथ हैं। संपूर्ण व्यवस्था में मानक के अनुसार हमने पुलिस बल की नियुक्ति की है और संपूर्ण के लिए 3 सुपर जोन बनाए गए हैं। संपूर्ण जनपद में 10 जोन बनाए गए हैं और 24 सेक्टर बनाए गए हैं।
सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी साथ साथ भ्रमण करेंगे और सुपर जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट जो कि एडीएम और एसपी रैंक के हैं वो साथ साथ भ्रमण करेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र और मतदेय स्थल पर पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक पुलिस बल के रूप में पीएसी के लिए भी तैनात किया गया है और जो भी हमारे चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जो भी चुनाव मुख्यालय उत्तर प्रदेश एवं निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए हैं सभी कर्मियों के लिए भलीभांति ब्रीफ करके उनके लिए समझा दिया गया है। चुनाव के लिए पूर्ण रूप से चुनाव आचार संहिता का पालन कराते हुए निष्पक्ष और निर्भीक रूप से स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, सभी को ब्रीफ कर दिया गया है।